नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सभी को पसंद आने वाली मिठाई काजू कतली बनाएंगे। इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसे हम किसी भी त्योहार पर, किसी भी पार्टी के लिए या जब भी हमारा मिठाई खाने का मन हो तब बनाकर खा सकते हैं। तो आइए काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काजू का पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। हमने ये 2 कप काजू लिए हैं। हमने टुकड़े वाले काजू ले लिए हैं, थोड़े इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो ये काजू हम जार में डालेंगे। थोड़े आधे आधे करके पीस लेते हैं। तो ये काजू का पाउडर बनके तैयार हो गया। हम इसे बहुत ज़्यादा मिक्सर को नहीं चलाएंगे, वरना काजू पेस्ट में बदल जाता है और हमें इसे पाउडर ही रखना है। ये पाउडर हम अलग प्याले में निकाल लेंगे और बचे हुए काजू भी पीसकर तैयार करेंगे। काजू पाउडर को हम छलनी से छान लेंगे ताकि बड़े टुकड़े निकल जाएंगे इसमें से, और ये जो मोटा मोटा काजू है वो हम अलग निकालते जाएंगे। बाद में फिर इसे एक बार पीसकर बारीक कर लेंगे। ये हमने काजू पाउडर को छान लिया। ये जो मोटा मोटा काजू रह गया है इसे हम फिर से पीसकर छान कर ले लेंगे, या फिर इसे हम हलवा में, खीर में यूज कर सकते हैं। काजू का पाउडर तैयार हो गया। अब हम इससे काजू का डो बनाएंगे। उसके लिए पैन में हम चीनी डालेंगे। हमने 3/4 कप चीनी ली है और इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। तो सबसे पहले चीनी को पानी में घुलने देते हैं, इसके बाद चेक करेंगे और इसको हम चला सकते हैं। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। हमें कोई अभी चाशनी नहीं बनानी, चीनी पानी में घुलनी चाहिए। अब हम ये काजू का इसमें पाउडर डाल देंगे। गैस को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं और इसे चलाते हुए पकाते हैं। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। काजू का पेस्ट पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। मिक्स करते हुए जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। ये काजू का पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो गया है और जमने वाली कंसिस्टेंसी पर पहुंच गया है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम चम्मच में बिल्कुल थोड़ा पेस्ट निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। गैस बिल्कुल स्लो कर देते हैं और हम ये पेस्ट को हाथ में लेकर देखते हैं। इसकी एक गोली जैसी बननी चाहिए। तो ये गर्म तो है अभी, लेकिन हल्का सा ठंडा होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसकी पूरा इसका गोला बनने लगा है, यानी कि हमारा पेस्ट जमने वाली कंसिस्टेंसी पर पहुंच गया है। गैस बंद कर देते हैं और पेस्ट को हम थोड़ा सा चला देते हैं। कढ़ाई गर्म है और अब थाली में घी लगाकर थोड़ा चिकना करेंगे और ये पेस्ट हम इस थाली में ही निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से पलटते रहेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। पेस्ट को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और बटर पेपर पर थोड़ा सा घी डालकर इसे चिकना करेंगे। पेस्ट को थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसके ऊपर पपड़ी भी ना पड़े। ये पेस्ट हल्का गर्म रह गया है। हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और पेस्ट को गोल करेंगे। गोला बनाकर हम इसे पेपर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा हम इसे हाथ से बढ़ा लेते हैं और अब इसे हम पतला बेलेंगे। 3-4 सेंटीमीटर मोटा रखेंगे। बेलन पर हमने घी लगाकर इसे भी चिकना किया हुआ है। इसे हम बहुत ही धीमे धीमे एकदम कम प्रेशर लगाते हुए बेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चौकोर बेलकर तैयार हो।
इस पेपर को हम इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। ये शीट मिलकर हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। एसी के सामने रख देते हैं या फिर ट्रे में रखकर फ्रिज में रख लेते हैं। थोड़ी सी ये सेट हो जाएगी, इसके बाद हम इससे कतली काटकर तैयार करेंगे। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सेट होकर तैयार हो गई है, अब हम इसे काट लेते हैं। तो काटने के लिए हम एक स्केल ले लेंगे। काजू कतली को डायमंड शेप में काटते हैं, बहुत अच्छी लगती है। पीस हम अपनी मनपसंद से थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े कर सकते हैं। 1.5 इंच की चौड़ाई में हम बर्फी को ले लेते हैं, तो 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और कट लगा देते हैं। इसी तरीके से हम सारी बर्फी को निशान लगाकर काट लेंगे। इसके ऊपर काटने के निशान लगा दिए हैं, अब हम इसे खुला छोड़ देंगे हवा में। जब ये खुश्क हो जाएगी तब पीसेस को अलग कर लेंगे। काजू कतली खुश्क हो गई है, इसके पीसेस को अलग कर लेते हैं। तो हम चाकू की हेल्प ले लेते हैं। काजू कतली बनकर तैयार है, बहुत अच्छी काजू कतली बनी है और इसे बनाना भी आसान है। लेकिन जब काजू कतली का पेस्ट आप पका रहे हैं तब उसकी कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखना है। जैसे ही वो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा एक प्याली में निकालिए, ठंडा कीजिए और उसका गोला बनाकर चेक कर लीजिए। अगर वह सही है तो गैस बंद कीजिए और काजू कतली बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर काजू कतली इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि पूरे वो एक दिन खुले छोड़ने के बाद भी सेट नहीं होती, तब आप उसे फिर से कढ़ाई में डालें और बिल्कुल धीमी आग पर 1-2 मिनट पकाएं और फिर से उसे बेलकर और काजू कतली की शीट तैयार करें। बाय चांस अगर इतना गाढ़ा पेस्ट बनता है कि आपने कढ़ाई से निकाला और वो तुरंत बेलने से पहले जमने लगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे वापस कढ़ाई में डालें, 1 चम्मच पानी डालें और धीमी आग पर 1-2 मिनट पका लें और फिर उसे ठंडा करके बेलें। आप बहुत अच्छी काजू कतली बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप कंसिस्टेंसी को पूरी तरीके से जज कर पाएंगे और बहुत अच्छी काजू कतली बनकर तैयार होगी। काजू कतली को फ्रिज में रखकर पूरे 1 महीने तक खाया जा सकता है। हमने काजू कतली के ऊपर सिल्वर वर्क नहीं लगाया है, वो खाने के लिए हेल्दी भी नहीं होता, जस्ट शो के लिए लगाया जाता है, तो उसे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप काजू कतली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।